हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला एकदम नया और बहुत ज्यादा चटपटा और टेस्टी नाश्ता। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता काफी ज्यादा हेल्दी है क्योंकि हम इसे मात्र 2 से 3 बूंद तेल में तैयार करेंगे और ये काफी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के आगे जो घंटी है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पर एक पैन रख देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पर आपको तेल बहुत ही ज़्यादा कम रखना है, जितना आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग तेल रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच के जितना साबुत जीरा। तो जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से चटकने लगेगा हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे भी हम डालकर अच्छे से इसे कुक होने देंगे। तो जैसे ही हमारी हरी मिर्च अच्छे से कुक हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर को आपको थोड़ा सा बारीक ही कट करना है। तो इस तरह से टमाटर को डालने के बाद हम इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई गाजर। तो यहाँ पर सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पत्ता गोभी और इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, इससे इसका जो टेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम अपनी सब्जियों को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जितना नमक। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम कवर करके अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब अपनी सब्जियों को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो सब्जियों को कुक होने के बाद ये थोड़ा सा पानी रिलीज करती हैं, तो इसे हमें इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि हमारे सब्जियों के अंदर जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए हैं, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इन आलुओं को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इनमें बहुत ही अच्छा सा क्रंच आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आलू अब बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इस तरह का एक मैशर ले लेंगे और इससे हम अपने सारे आलुओं को अच्छे से मैश कर देंगे। तो इस तरह से आलू को मैश करने से ये होगा कि हमारी सब्जियां और आलू बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे और इनमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मैश कर दिया है। तो मैश करने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे भी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग अब रेडी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में भी डाल सकते हैं इस तरह से, और प्लेट में डालने से ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी तैयारी की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बोल में ले लेंगे 2 कप तक गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे को पहले आपको बहुत ही अच्छे से छान लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों में इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब ही डाल देंगे कस्तूरी मेथी, इसे भी हम हाथों से इस तरह से हल्के से क्रश करके इसमें डाल देंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारा जो नाश्ता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी बने। तो आखिर में हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आपको यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है, बस 1 से 2 चम्मच के करीब तेल इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम वैसा ही आटा आपको लगाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा, बस 1 कप तक पानी आपका इसमें इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा आटा है वो लगकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो आटे को हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से मसलना है, तब तक कि ये बहुत ही अच्छे से चिकना नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है वो अब तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद हम अपने आटे में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो हाथों में चिपके नहीं। और अब इसकी हम एक बराबर लोइयां काट लेंगे। तो इस तरह के हम छोटे छोटे पेड़े इसके काट लेंगे ताकि हमारे सारे नाश्ते इक्वल बने। तो एक एक करके अब अपनी सारी लोइयों को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी लोइयों को तैयार कर लिया है, तो अब चलते हैं इसे बेलने की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक चकला ले लिया है। तो अब अपनी एक लोई को हम हाथों से इस तरह से चिकना करके हल्का सा टैप कर देंगे
और इस पर हम अच्छे से आटे को लगा देंगे। तो अब इसे हम हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आटा लगाने से ये होगा कि हमारी जो रोटी है वो बेलन में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो जब आपको लगे कि आपकी रोटी हल्की से चिपक रही है तो आप फिर से इसमें आटा लगाकर इसे बेलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेली है, बस मीडियम साइज़ की रोटी इस तरह से बेल लेनी है। तो इसकी जो थिकनेस होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वैसे हम रोटियाँ बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी रोटी बेलकर तैयार हो चुकी है और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। तो कुछ इसी तरह की रोटी आपको बेल लेनी है। उसके बाद हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की है उसे हम 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे। तो जितनी स्टफिंग में आप कंफर्टेबल हो उतनी ही स्टफिंग डालिएगा। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच के करीब स्टफिंग इस तरह से रख दी है और इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और अपनी रोटी के चारों तरफ अच्छे से पानी को लगा देंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो पीस में खुले नहीं। तो इस तरह से रोटी के चारों तरफ आपको अच्छे से पानी लगा देना है और इस तरह से इसे मोड़ देना है। तो इसके चारों कोनों को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जैसे हम रैप को बनाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इसे फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो पानी लगाने से हमारा नाश्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और कहीं से भी ये खुलेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा हम अपनी गैस की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब तेल। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम अपने तैयार किए हुए नाश्ते को इसमें डाल देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। तो जब आपको लगे कि एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है तभी आपको इसे पलटना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से कुक हो रहा है। तो इसे आपको तब तक अलटते पलटते रहना है जब तक कि हमारा नाश्ता दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से कुक नहीं हो जाता और इसमें एक प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो नाश्ता है वो हल्का हल्का फूलना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता एक साइड से काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है और इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि हमारा नाश्ता अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स पहला नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से अपने दूसरे नाश्ते को भी बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा नाश्ता भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं है तो इसे आप बिना ऑयल के भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल का भी इस्तेमाल किया है। तो जिन लोगों को वेजिटेबल पसंद नहीं है उन्हें भी आप ये खिला सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये नाश्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है हमारे नाश्ते का। तो चलिए फ्रेंड इसे अब हम फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार है हमारा गेहूं के आटे का ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लस टेस्टी नाश्ता, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ ये कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो इसे इस तरह से मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि इसकी स्टफिंग कितनी ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।